लेना बैंक विकलांगों को लोन देगा। लोन मिला सिर्फ विकलांगों के लिए आए? लोन मिला सिर्फ विकलांगों के लिए? लेकिन मैं तो खाते पीते अच्छे घर का आदमी हूँ, मेरे पास नौकरी नहीं है, अब मैं विकलांग कैसे बन सकता हूँ? विकलांग बनने में कहाँ देर लगती है भैया। आजा, अरे भैया लेना बैंक का पता बताना। आजा, लेना बैंक आ गया मैं लेने के लिए। अरे लेना जरा देना। ओ भाई साहब, लाइन इधर है। लाइन कहाँ है लाइन? अरे इतनी लंबी लाइन है, दिखाई नहीं देती क्या? नहीं दिखाई देती भैया, अंधा हूँ ना, अंधों की लाइन कहाँ है। अरे पीछे जा, ये तो कॉमन लाइन है, जा। कॉमन लाइन है? हाँ। अरे क्या हो गया है हमारे देश को, राशन की लाइन, दूध की लाइन, ट्रेन की लाइन, घास लेट की लाइन, बस लाइन लाइन लाइन, लेकिन आज तक हमारा देश लाइन पर नहीं आया। इंस्पेक्टर इधर ही आ रहा है, भाग भैया भाग। अजा 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 अजा, कौन है भैया, किसने मुझे पुकारा? मैं अंधा हूँ, मुझे दिखाई नहीं देता। अजा, क्या नाम है तुम्हारा? अंधा अंधा कानून। नहीं तो, कानून कभी अंधा नहीं होता है, ना ही वो लंगड़ा होता है, बहरा नहीं होता है, अपाहिज तो हो ही नहीं सकता है। आप कौन है? मैं कानून का बेचा हूँ, इंस्पेक्टर चोटियाल। ओ, कानून तो मेरे लिए अंधे की लाठी है। ये क्या है? ये है कानून का डंडा। कानून का डंडा बहुत छोटा है। हाँ, कानून का डंडा छोटा है, मगर कानून के हाथ बहुत लंबे हैं। क्या काम करते हो? अंधा हूँ, भीख मांगता हूँ। शर्म नहीं आती तुम्हें भीख मांगते हुए? अरे क्यों शर्म आएगी मुझे भीख मांगते हुए, जब हमारे देश के नेता हाथ जोड़कर दोनों पैरों पर खड़े रहकर आंखें होने के बावजूद वोटों की भीख मांगते हैं, तो एक अंधा नोटों की भीख नहीं मांग सकता। वाह वाह, क्या डायलॉग मारा है तुमने। अच्छा आओ आओ मेरे साथ आओ, फिल्म लिखवानी है। अच्छा चलिए लिख देते हैं उसमें क्या। हाँ जामलानी, ये अंधा कानून है, इसे लोन दे दो। ठीक है सर। थैंक यू सर, थैंक यू। तुम्हारा नाम क्या? अंधा कानून है? जी जी। और माँ का नाम? गंगा। गंगा मेरी माँ का नाम और बाप का नाम हिमालय। तुम्हारी माँ कहाँ है? क्यों साहब, मेरी माँ गंगा मैली हो गई साहब। तुम अंधे हो? जी। कब से? बचपन से साहब। मुझे तुम्हारा टेस्ट लेना पड़ेगा। टेस्ट? ये क्या करने वाला है? ये तो अंधा नहीं है। पकड़ो पकड़ो, अरे कोई मोटे को पकड़ो। लेने के देने पड़ गए भैया। अरे भाई इसे पकड़ो, ये अंधा नहीं है, इसे जो पकड़ेगा उसे मैं डबल लोन दूंगा। लोन? अरे भाई ये क्या हो रहा है? कहते हैं कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, एक मच्छर पूरे आदमी को बना देता है, और एक वोट जो है वो पूरी सरकार को गिरा देता है। ये एक कीला देखिए मेरे लिए क्या चमत्कार करता है। देखो नहीं डाली क्या हुआ? ये तो पंचर हो गया। अरे झूले लाल हो गया बुरा हाल। आपके साथ तो हमेशा गड़बड़ होती है, पिछली बार आपको डिसेंट्री हुई थी उस वक्त आपने पूरा प्रोग्राम पंचर कर दिया था। बड़ी अब क्या होगा डार्लिंग? अरे डार्लिंग वही होगा जो हमें मंजूर होगा। बड़ी साई तू है कौन? अरे भेड़ा ये मत पूछो कि हम आपके हैं कौन, ये जानो यहाँ से 50-50 किलोमीटर दूर जब किसी गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है तो उसका ड्राइवर चीख चीख कर पुकार पुकार कर एक ही नाम को पुकारता है, चतुर्भुज कहाँ है? किधर है चतुर्भुज? अरे भेड़ा तुम्हारे सामने खड़ा है, उधर किधर देखता है? तो चलो जल्दी जल्दी टायर चेंज करो। 500 रुपए लगेंगे। बड़ी चेंज करने का 500 रुपया? बड़ी लूटता है हमको। अरे भेड़ा ये कार का घर के अंदर रहता बीवी नहीं है जो आसानी से चेंज हो जाए। क्यों बीवी जी? मैं इनकी बीवी नहीं हूँ। ये भी आपका शट अप।
देखो जल्दी जल्दी टायर चेंज करो, नहीं तो मेरा हस्बैंड आ जाएगा। अरे भेड़ा क्या सोचता है, जल्दी जल्दी निकाल नोट, इसका हस्बैंड आ जाएगा तो तेरा बैंड बजा देगा। ये लो 500 रुपए, बड़ी कुछ कंसेशन करो नी। अरे कंसेशन, अच्छा ठीक है, सेल टैक्स मत देना। बड़ी जल्दी करो नी। सर गाड़ी तैयार। थैंक यू वेरी मच। चल मेरी आलम में मेरी डार्लिंग। अब आएगा मजा। एक किला ने इस कड़के की कड़की दूर कर दी। 500 रुपए की देशी दारू पियूंगा, देशी मुर्गा खाऊंगा और पूरे शहर की गाड़ियों के टायर पंचर कर दूंगा। अरे अब भाई साहब बहुत बड़ा है, आधा इधर दे सकते हो क्या? अबे जावे नशा गोटी मत कर, जा 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 जा। कमाल का आदमी है, जावे पूरी पी जाएगा चिरकुट। भाई साहब क्या है बे? टाइम क्या हुआ? अबे मुझे क्यों पूछता है, जा इसे पूछ। भाई साहब टाइम कितना हुआ? एक मिनट, 6:35। 6:35। थैंक यू। कमाल है, इनके हाथ में घड़ी भी नहीं है, पूछ उठाई और समय बता दिया। भाई साहब आपके हाथ में घड़ी भी नहीं है, आपने सिर्फ गधे की पूछ उठाई और समय बता दिया, वो कैसे? नो प्रॉब्लम। अच्छा। मेरी जगह पर लेट जाओ, अपने आप टाइम पता चल जाएगा। अच्छा आइए आइए, मैं लेट जाता हूँ। लेकिन ये लात तो नहीं मारेगा ना? ना अपने भाई को पहचानता है। अच्छा उनको उनको चिरकुट। पूछ उठाकर सामने की घड़ी को देखकर आप टाइम बताते हैं। ये तो मेरा कंप्यूटर ब्रेन है। अरे भाई साहब आप इन्हें पहचानते हैं? इनसे पूछो। भाई साहब आप इन्हें पहचानते हैं? क्या हुआ? अरे इसी की वजह से तो मैं यहाँ हूँ। अच्छा। कहाँ मिलेगा ये? अरे ये गैराज में होगा, किसी गाड़ी को रिपेयर कर रहा होगा। अच्छा आप इनका पता बताएंगे? अरे भाई कितनी बार बोला भैया ये अभिमन्यु नहीं है, ये कबीरा है कबीरा। अरे मेरे बाप जो तुम्हारा कबीरा है वो मेरा अभिमन्यु है, मुझे पता। बताओ वो कहाँ रहता है? बताता हूँ। ओ दारू मत पियो, पहले ये बताओ कहाँ रहता है वो। अरे दारू नहीं पीऊंगा तो बत्ती कैसे जलेगी, बत्ती नहीं जलेगी तो आपको पता कैसे बताऊंगा? अरे बेहोश होने से पहले तुम्हारे कबीरा का पता तो बता दो। मैं उड़ रहा हूँ। तुम ही मेरे साथ उड़ो। उड़ उड़ रहा हूँ, उसके यहाँ पहुँच जाएंगे। कोई फायदा नहीं है दारू पिलाने का, कुछ नहीं हुआ, शेरनी लगा। अब मालूम नहीं कबीरा को कहाँ ढूंढूंगा मैं। कबीरा तेरे कितने रूप, कहीं छाओ तो कहीं धूप। हाँ अनिल कपूर जी, हाँ परसों शूटिंग है। नहीं नहीं पेमेंट मिल जाएगा। हाँ ओके ओके अनिल जी, थैंक यू। भाई साहब आप भी मेरे जैसे हैं? मतलब मेरा मतलब है कि ये असली है या नकली है? असली है। अच्छा भाई साहब दो सिगरेट देना। ये तो असली है और मेरे पास नकली, क्यों ना ले लूं। अरे मेरा मोबाइल, भाई साहब वो आदमी ओरिजिनल मोबाइल फोन। अब मैं माधुरी दीक्षित से वाकई में बात कर सकता हूँ। हेलो चतुर्भुज स्पीकिंग। लुच्चे लफंगे चोर मेरा फोन चुरा लिया। हाँ लुच्चे लफंगे, एक चोर ने तेरा फोन चुरा लिया, क्या कर लेगा तू? मैं कुछ नहीं करूंगा, अब तू ही करेगा। चिल्ला बच्चे बहुत चिल्ला, और भी चिल्लाएगा जब तेरा बिल आएगा। अबे सुन, तेरे हाथ में जो फोन है वो फोन नहीं, तेरी मौत है मौत, उस मोबाइल के अंदर बम है। क्या बोला? तू फोन बंद करेगा तो बम फटेगा। और फेंकने की कोशिश करेगा तो भी बम फटेगा, समझे? तो मैं क्या करूं भैया, मैं क्या करूं?
चुपचाप पुलिस स्टेशन जा और फोन पुलिस के हवाले कर, समझे? हेलो, हे भगवान, फोन बंद करूंगा तो भी फटेगा और फेंकूंगा तो भी फटेगा। वाकई मेरा बैड लक बहुत खराब है, अब क्या करूं? पुलिस स्टेशन, पुलिस स्टेशन, बम, मेरे हाथ में बम है। अरे अंधा कानून, कैसे हो? अच्छा हूँ, बहुत अच्छा हूँ। कानून की आंखों के सामने से पट्टी हट चुकी है, अब कानून देख सकता है सरकार। अच्छा अच्छा, तो लोन के पैसे से आंखें और ये मोबाइल फोन मिला। मैं बहुत खुश हूँ कि अब कानून अंधा नहीं रहा। लेकिन कानून की जान को बहुत बड़ा खतरा है सरकार। अरे डरो मत, ये पुलिस स्टेशन है, यहाँ कोई खतरा नहीं है। अरे सिर्फ मुझे नहीं, पूरे पुलिस स्टेशन को खतरा है, क्योंकि मेरे हाथ में जो मोबाइल फोन है ना, वो मोबाइल फोन नहीं है बल्कि एक बॉम्ब है। बॉम्ब, मुझे छोड़कर, ए अंधा कानून, रुक जाओ, जरा भी हिलने की कोशिश की तो बॉम्ब छोड़ा दूंगा। डरिए मत साहब, इसमें कोई बॉम्ब नहीं है, ये मेरा मोबाइल है, इस लुच्चे ने मेरा मोबाइल चुराया है, क्या? इसलिए मुझे ड्रामा करना पड़ा। इसमें बॉम्ब नहीं है, हाथ नीचे कीजिए, बॉम्ब नहीं है, बच गए। अच्छी बात है, आपको अपना मोबाइल आपका गम। अंधे, तूने फोन चुराया, पूरे पुलिस स्टेशन को हिलाया, अब मैं तेरी अच्छी तरह बैंड बजाऊंगा, ये देख कानून का डंडा। एक मिनट इंस्पेक्टर साहब, देखा ऐसा ही है, इसीलिए मैं कहता हूँ कि चलते हुए रास्ते पर कोई भी चीज दिखाई दे तो लालच में आकर उसे उठा मत लेना। वाकई में अगर वो बॉम्ब निकला तो आप उड़ जाओगे, नहीं तो आपका हाल मेरे जैसा होगा। निकलो, चलिए, अबे चल अंदर जा, चल चलो अंदर।